हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम घर पर ही कच्ची हल्दी से प्योर हल्दी पाउडर बना सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हल्दी, कच्ची हल्दी। इसी के साथ मोनिकाज किचन में आप सबका स्वागत है। इजी और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखने में बिल्कुल जिंजर यानी अदरक जैसी दिखती है, और अभी मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। तो ये अंदर से इस तरह से पीले रंग की होती है, तो ये कच्ची हल्दी है। तो सबसे पहले हम हल्दी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह लगी है तो वो उतर जाए। कच्ची हल्दी आपको सब्जी मंडी में इजिली मिल जाएगी। इसको वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आगे का प्रोसीजर क्या है। एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें हल्दी डाल देंगे, और फिर 5 से 7 मिनट के लिए हम हल्दी को बॉईल होने देंगे। हल्दी को बॉईल होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो अभी हल्दी को मैंने पानी में से निकाल लिया है, तो ये अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे काटना ही पसंद है, क्योंकि कई बार छोटे पीस होते हैं तो उनको ग्रेट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से छोटे पीसेस में काटने से हमें ये फायदा रहेगा कि इनको सुखाने के बाद हम इनको घर की मिक्सी में ही पीस सकते हैं। तो मैंने सारी हल्दी को काट लिया है, तो अब हम इनको थोड़ा सा फैलाने के लिए 2 प्लेट में कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे किसी कपड़े पर फैलाकर भी सुखा सकते हैं। मैं इसे 2 प्लेटों में कर लूंगी, और फिर इनके ऊपर हम कोई भी पतला कपड़ा डालकर, चाहे कोई मलमल का कपड़ा या फिर कोई दुपट्टा, इस तरह से ऊपर से ढककर हम इसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो इनको ढकने के लिए मैंने पुराने चुन्नी का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी पुराना दुपट्टा ले सकते हैं जो पतला हो। तो इस तरह से हम ढककर इसको सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद हल्दी कुछ इस तरह से श्रिंक हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी हल्दी पहले ही सूखने के लिए रखी थी। तो अभी हल्दी पूरी तरह से सूख चुकी है, और 2 प्लेट से ये 1 प्लेट में आ चुकी है। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से सूख गई है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम कोई भी एक पीस को तोड़कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से टूट रही है, तो इसका मतलब है ये हल्दी बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है। तो अभी हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में थोड़ी थोड़ी करके हल्दी डाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। क्योंकि हमने इसको छोटे टुकड़ों में काटा है, तो हम इसको घर में आसानी से पीस सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, तो इसको बारीक पाउडर बना लेंगे। तो इसका कलर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब एक छलनी में इसको छान लेंगे, ताकि हमें बारीक पाउडर ही मिले, और जो भी मोटे पीस होंगे उनको हम दोबारा से पीस लेंगे। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी हल्दी को हम पीसते जाएंगे और इसी तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से हल्दी का बारीक पाउडर हमने एक साइड कर लिया है, और जो बचे हुए मोटे पीस थे उनको दोबारा से मिक्सी के जार में डाल दिया है, और बाकी भी पीस लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारी हल्दी को पीस कर छान लिया है। तो अभी ये छलनी में थोड़े से मोटे पीस बचे हैं, तो इनको एक बार फिर से मिक्सी में डालकर हम पीस लेंगे। बाजार जैसा फाइन पाउडर बनाने के लिए मैं सारी छनी हुई हल्दी को एक बार फिर से मिक्सी में डालकर दोबारा से पीसने लगी हूँ, ताकि ये बहुत ही फाइन पाउडर बन जाए।
लीजिए, घर पर ही प्योर हल्दी का पाउडर बनकर तैयार है। तो अभी इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर बनकर तैयार है, तो इसको मैं एक व्हाइट कलर के बाउल में डालकर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कच्ची हल्दी का पाउडर बनाने पर उसका कलर कैसा होता है। हल्दी पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें और फिर यूज करें। तो इस तरह से घर पर ही प्योर हल्दी बनाएं और हल्दी के गुणों का फायदा लें। घर पर ही कच्ची हल्दी से हल्दी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी।